हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो जैसे कि कल हमने वीडियो बताई थी, उसमें बताए थे कि एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप में वैकेंसी वो इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर पूरा डाटा निकल के आ रहा है और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उनकी वैकेंसी है सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ इसमें मिलेगा। जो भी सूचना हमें प्राप्त हुई उसके अनुसार जो इंक्रीज़ मिलेगा वो वाई ग्रुप में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और ये इससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर जरूर बताइए कि आपके अनुसार वीडियो कैसी लगी। देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कि हमने यहाँ पर अब की बार एयरफोर्स एक्स सॉरी वाई ग्रुप में सिलेक्शन लेना है वो आसान है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर लगभग 500 वैकेंसी है वो इंक्रीज हो सकती है, और इसका फायदा जो PSL जिनकी आने वाली है 02-20 वालों को भी होने वाला है, और इनटेक 01-21 को, यानी कि फर्स्ट इंटेक 2021 का फर्स्ट इंटेक को तो ही इसका फायदा यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो देखते रहिए, पूरा एनालिसिस यहाँ पर दिया गया। तो इसके बारे में मैंने कल बताया था कि आपको पता है कि 3 ट्रेनिंग सेंटर है वो बन चुके हैं गुजरात में। अब ये क्या ऐसा कारण क्या है कि सबसे पहले पता है कि आपको वहाँ जो लगभग कर्नाटक में बेलगांव में आपको होता था, जहाँ पर एक्स वाई ग्रुप दोनों का वहाँ पर क्या है ट्रेनिंग एक साथ दी जाती थी, ठीक है, जो बेसिक ट्रेनिंग है दोनों की एक साथ दी जाती थी। लेकिन अब की बार चेंजमेंट ऐसा देखने को मिल सकता है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो वाई ग्रुप के बंदों की यहाँ पर गुजरात होगी, ठीक है। 3 ट्रेनिंग सेंटर है वो बढ़ चुका है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे सारे सिस्टम इंक्रीज होता है उसके अनुसार यह डिमांडिनेशन है वो भी इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पर लगभग क्या होता है 500 जो वाई ग्रुप के स्टूडेंट हैं इनको सामान्य ड्यूटी या जनरल ड्यूटी के रूम में यहाँ पर रखा जा सकता है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके साथ निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, शिफ्ट ओनली वाई ग्रुप स्टूडेंट, जो कि वाई ग्रुप के स्टूडेंट को यहाँ पर ओनली शिफ्ट किया जाएगा, और अप्रोक्सीमेट जो कि निकल के आ रही है कि लगभग 500 वैकेंसी है वो वाई ग्रुप में इंक्रीज हो सकती है। और इसके साथ ही टोटल वैकेंसी आपको पता है लगभग 1000 से 1200 होती है, और 1000 से 1200 होती है, और लगभग 1500 वैकेंसी है वो यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, 1500 वैकेंसी हो सकती है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए कि 500 कैंडिडेट्स फॉर नॉर्मल ड्यूटी, यानी कि जनरल ड्यूटी या नॉर्मल ड्यूटी के रूम में लिए जाएंगे, वे ऑफिस के रूम में नहीं लिए जाएंगे, उनकी ड्यूटी सामान्य रूप से लगेगी, वो 500 स्टूडेंट वाई ग्रुप से सेटल किए जाएंगे। और इसके कारण ही एक्स ग्रुप में वहाँ पर बेलगांव में आपको पता है जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर होता है एयरफोर्स का, वहाँ पर एक्स ग्रुप के कैंडिडेट्स हैं उनको भी वहाँ पर इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो मेन इंपॉर्टेंट एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए थी, क्योंकि यहीं से उन्होंने में आ रहा है कि एयरफोर्स के वाई ग्रुप की वैकेंसी वो इंक्रीज हो सकती है। इसका बेनिफिट यहाँ पर इंटेक 2020 को देखने को मिल सकता है। यदि कोरोना वायरस की मदद से प्रॉब्लम आती है, शिफ्ट नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पर जो फायदा है सबसे ज़्यादा वो 2021 बैच का फर्स्ट बैच को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी आपको शेयर करनी थी, मेरे सबसे अच्छे लगे होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। और एयरफोर्स से वाई से संबंधित एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी जिसमें बताएगी एयरफोर्स वाई ग्रुप में यदि आप पेपर क्लियर कर जाते हो तो आराम से आपका PFT GD और इसके साथ मेडिकल वो आराम से क्लियर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।